जस्ट लुक एट दिस बर्ड यार, वाओ। मुझे नाम नहीं पता लिटरली इसका, बट इसके ब्राउन पंख है एंड ब्लैक बॉडी है। सच अ ब्यूटीफुल बर्ड। आई गेस यहाँ पे भी इसका नाम नहीं है कहीं पे भी। सो सी, दिस इज नेचर। ये डेफिनेटली अ माइग्रेंट बर्ड है और उड़ गई, पता नहीं ऊपर बैठी है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द पाथफाइंडर व्लॉग्स। भाई हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, सामान अभी गाड़ी में डालना शुरू करना है हमने, तो फटाफट से सामान डालते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ रिसेप्शन के पास लगा दिए सामान डालने के लिए, वहाँ पे बंदर वंदर बैठे हुए हैं, यहाँ के बहुत ही ज़्यादा पिंक बंदर हैं यहाँ के। और ये रिजॉर्ट की हमारी बत्तख है, जिसमें से एक बत्तख को लेपर्ड ने खा लिया था। अब डिक्की में सामान डलवाते हैं और आगे की तरफ। तो हम निकल चुके हैं रिजॉर्ट से और ऑलमोस्ट एक घंटा कवर कर लिया है, और नाना को लगा मैं उन्हें कुछ बोल रहा, तो नाना ने रिप्लाई दिया, बट मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ। नाना व्लॉग शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था। कहाँ पे? ये वीडियो बना रहा हूँ, ये यूट्यूब पर डालूंगा ना। हाँ, और बता रहा था सबको कि आपने रिजॉर्ट कैसे बनाया था, कितनी मेहनत लगी थी, ये सब बता रहा था मैं। हाँ, तो लोग पूछ रहे थे कि आपका इंटरव्यू कब ले सकते हैं, आपसे कुछ सवाल है लोगों के, तो वो मैं फिर फ्री होके आपके पास आऊंगा, फिर आप बताना सबको कि कैसे आपको मोटिवेशन मिली थी ये बनाने के लिए, रिजॉर्ट बनाने के लिए। अच्छा, मेरे बारे में कह रहे? हाँ, कि आपको मोटिवेशन कैसे मिली रिजॉर्ट बनाने की। अच्छा, हाँ, कि कहाँ से आपने सोचा कि रिजॉर्ट की जमीन लेनी है और मेरे को रिजॉर्ट बनाना है, और अब इतना सक्सेसफुल चल रहा है। 2007 या 2008 की बात है मेरे ख्याल से। 2006 में लिया था, 9 में कंप्लीट हुआ था, 8 में कंप्लीट हुआ था, 7 में बन गया था। और चालू कब हुआ था? 2008 में नवंबर में हुआ था। अच्छा, नवंबर में, 28 नवंबर को। हाँ, चालू कर दिया। अच्छा, तो 2007 कितने साल हो गए? 15-16 साल हो गए। तो भाई ये है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे, एक बारी नाना के घर जाएंगे तो नाना से मिल के आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। अभी काशीपुर क्रॉस के गूगल मैप्स अभी भी गलत रास्ता बता रहा था, तो अब हम ये वाला रास्ता मेरे को याद है, तो मैं तो इसी रूट को फॉलो कर रहा हूँ जो मैं जहाँ से हमेशा आता हूँ। अब वो वाया देहरादून मुझे घुमा के लेके गया, तो अभी वो फ्लाईओवर जो ऊपर से जा रहा था वो भी मैंने देख लिया कि वो मेरे को कहाँ से गलत रास्ते से लेके गया था। तो अब मैं गूगल मैप्स को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से मुझे अपना रास्ता पता है, तो मैं इसी रास्ते को फॉलो करूँगा और गाड़ी को आराम से चलाएंगे हम। तो बाकी मुरादाबाद पहुँचते हैं भाई, तो उसके बाद हमें गजरौला जाना है, वहीं पे हम अपना लंच वंच करेंगे। गजरौला में रुक के वहीं पे हमेशा लंच करते आए हैं, तो बाकी का अपडेट्स आपको आगे जाके देते हैं। भाई इधर रुके हैं, गन्ने का जूस पीने का मन कर गया था, मम्मी हो रही, और ये नाना बैठे हैं इधर, मम्मी और नाना ये रहे, गन्ने का जूस पीने के लिए रुक गए थोड़ी देर। तो गन्ने का जूस पीते हैं, थोड़ा पेट ठंडा करेंगे, पेट बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था। एंड ये भाई काशीपुर वाला रास्ता ना बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, और ये हमेशा से ऐसा है, मतलब मैं ये लगा लो लास्ट 8 ईयर्स से जब जब आया हूँ ना इस रोड से, ये रास्ता मेरे को ऐसा ही टूटा हुआ मिला है, और पूरा ट्रैक ऐसा है टूटा हुआ, पीछे से भी पूरा टूटा हुआ रास्ता था। कंटेनर की कितनी ऊँची है, और सामने वो लोहे का है, अब ये टच होगा नहीं होगा, इतने पास से निकला है भाई, सड़क तो है ही नहीं यहाँ पे, उधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, सिर्फ गड्ढे हैं, ऑफ रोडिंग ट्रैक बना रखा है। यहाँ टेस्ट हो रहा है नेक्सॉन की कैपेबिलिटी, वो देखो आगे कितना डीप गड्ढा है वो देखो, ओ भाई साहब, नहीं यार इसमें नहीं उतार रहे हम गाड़ी को अपनी, रिस्क नहीं लेंगे, ऊपर चढ़ा देते हैं यहाँ से। वैसी गाड़ी में इतना सामान है, गाड़ी बिल्कुल नीचे दब रखी है, फिर भी प्यार से निकल रही है, फिर भी प्यार से निकल रही है, कहीं से भी टच नहीं हो रही है गाड़ी हमारी। लगा दी भजन पे, मम्मी जा रही नाना के साथ उधर। अब मैं इतने दिनों से इंडियन खाना खा रहा हूँ ना, मेरे से इंडियन खाया नहीं जाएगा, तो मैं जा रहा हूँ KFC। अब हाईवे पे लोग कहते हैं कि भाई KFC तो दिल्ली में भी मिलता है, लेकिन भाई हाईवे पे फील ही अलग आती है। अब उस तरफ मैकडोनल्ड्स है, मन तो मैकडोनल्ड्स खाने का भी है, वही तड़का ढाबा है भाई अपना फेमस,
वो जिम कॉर्बेट जाते हुए पड़ता उधर पेट्रोल पंप पे, बट वहाँ नसीब नहीं था अपना इस बारी। नेक्स्ट टाइम जिम कॉर्बेट डायरेक्ट जाएंगे तो तड़का ढाबा पे भी खिलाएं दिखाएंगे आपको कि बहुत बढ़िया चीज़ मिलती है। अब आला सारा रोड क्रॉस करने में मेरे को मैकडोनल्ड्स के लिए, तो भैया हम KFC से अपना काम चला लेंगे। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू AK द पाथफाइंडर व्लॉग्स। भाई ये व्लॉग हो रहा है अपना कंटिन्यू। भाई 7-8 घंटे लगे क्योंकि नाना थे साथ में गाड़ी, तो गाड़ी बहुत धीरे चलानी पड़ी मुझे। प्लस काशीपुर वाला पैच बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई शुड हैव गॉन थ्रू अलीगंज साइड, बट हमें बेल का शरबत लेना था विच इज़ द प्योरेस्ट इन रामनगर साइड। तो भाई वो लेने के चक्कर में अपने को रिजॉर्ट से रामनगर की तरफ जाना पड़ा। अगर रामनगर की तरफ ना जाना पड़ता तो हम बासपुर से अलीगंज होते हुए सीधा बायपास मुरादाबाद टच करते और हाईवे से निकल जाते, बट हमें रामनगर से जाना था। तो फिर भाई कहाँ आएगा, रास्ते में काशीपुर भी आएगा, तो काशीपुर वाला पैच तो भाई हद ख़राब है। गाड़ी के सस्पेंशन मतलब चेक करवाने पड़ेंगे एक बारी, बट हाँ टचवुड गाड़ी ऊपर है तो कुछ नीचे से कहीं से भी टच नहीं हुआ। इवन दो का कार वॉज फुल्ली लोडेड, लाइक हम टोटल हम सबके 5 बैग्स थे, तो भाई तब भी गाड़ी बिल्कुल मस्त एकदम टचवुड सब कुछ मस्त था। भाई मज़ा आ गया ट्रिप में। एंड व्लॉग सारे डल चुके हैं भाई, ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही आज स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब एक दिन का मैंने बीच में मतलब सोता ही रहा, रेस्ट करा है पूरा टाइम मैंने। अभी साहब बिल्कुल भी मतलब पहली वाली एनर्जी वाली फील ही नहीं आई। लाइक चेस्ट के मैंने हार्डली 3 सेट करे हैं, जिसमें से एक फ्लैट था, एक इंक्लाइन प्रेस था और एक इंक्लाइन फ्लाई। मतलब मेरे को फ्लैट फ्लाई करना था एंड डिक्लाइन डंबल प्रेस करना था, बट नहीं कर पाया, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। एंड उसके बाद भाई मैं बैक पे गया, बैक के हार्डली 2 एक्सरसाइज कर पाया हूँ 3-3 सेट के हिसाब से, एंड बिल्कुल ही डेड सीन वाला लग रहा है। प्लस गाइस ये नया वो लिया है, क्या कहते हैं, मम्मा ले गई मसल ब्रेस का मौका फ्लेवर, सो लेट्स सी ये कैसा है एंड फिर आपको ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ इसको पी के, ठीक है। एंड घर चलते हैं फटाफट से फ्रेशन अप होते हैं एंड बाकी के जो काम है वो देखने की कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबल वे में कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या बोल रहा था, दोबारा बोल दे। नहीं बुरा मानेगा, बोल दे शंकर के लिए, कुछ बोल रहा था तो कुछ नहीं बोल रहा भाई। ये है देख लो बॉसों का लाइनअप, बॉस 1, बॉस 2, बॉस 3। साले इसको बंद करो, इसको दोबारा। और ये मेरी गाड़ी है, सारे बॉसेस के बीच में मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। जी हाँ जी, मेरे गाइस, मेरे वीर और मेरे वीडियो, क्या हाल चाल थोड़े में, क्या जी ए व्लॉग होंदा पे अपना कंटिन्यू, क्योंकि भाई अब छुट्टियों के बाद आया तो ऑफिस में इतना ज़्यादा काम है ना भाई कि मतलब मैं बता नहीं सकता। अभी 8:05 हो रहा है और मैं अभी निकला ऑफिस से, ठीक है। और ये सामने ना लास्ट ईयर हुई लॉन्च हुई हुई होंडा सिटी चल रही है, और ये मुझे कसम से ऐसा लग रहा है कि कम से कम नहीं तो 5-6 साल पुरानी हालत देखो भाई गाड़ी की, बंदे ने मेंटेन ही नहीं करी हुई है। लाइक मतलब स्क्रैचेस, बम्पर, गाड़ी की शाइन खत्म है, इतना घटिया क्वालिटी का कपड़ा यूज़ करा है इसका मतलब बंदे ने। यार गाड़ियाँ ना बंदा लेते टाइम तो ऐसे दिखाता है कि भाई मतलब वो है ड्रीम कार है और भाई यही चाहिए थी ले ली, मतलब तो भाई उसकी कदर भी कर लो ना थोड़ी। फिर आफ्टर सेल में जाते हो तो बोलते हो वैल्यू नहीं मिलती गाड़ी की, कैसे मिलेगी भाई, मेंटेन ही नहीं कर रहे हो तुम लोग, मेंटेन करोगे तो वैल्यू मिलेगी भाई। अब मेरी स्विफ्ट, मैंने पहले भी बताया, जो नए जुड़े उनको शायद से अब पहली बार सुनने को मिलेगा भाई, 77 या 75,000 किलोमीटर्स कुछ चली थी उसी के बीच में, मतलब 75,000 से 70,000 किलोमीटर्स के बीच में चली हुई गाड़ी, 4 साल पुरानी, शाइनिंग विथ स्क्रैचेस, लाइक स्क्रैचेस आए थे गाड़ी में, मैंने उसमें ना PPF कराया था ना सिरेमिक कोटिंग कराई थी, व्हाइट कलर की गाड़ी थी, मेरे को ऐसा यूज ही नहीं लगा ही नहीं मतलब कभी कराने का, बट भाई कपड़ा अच्छा था मेरा, ठीक है। गाड़ी धोने का तरीका मेरा सबसे यूनिक, लाइक आई टीच पीपल नाउ, मतलब मैंने जो दोस्त की अपनी भाई की BMW कराई है, भाई और भाभी की BMW, नहीं तो डांट पिटेगी, तो भाई और भाभी की BMW पे भी भाई उनको मैंने बता दिया कि भाई अब ये गाड़ी को ना मेंटेन करना है, मेंटेन करना है तो पहले गाड़ी को पानी से धोना है, मिट्टी जो गाड़ी पे है वो आप पहले पानी से उतारो, उसके बाद अच्छी क्वालिटी के कपड़े से उसे साफ करो। भाई अगर आप मिट्टी लगी हुई गाड़ी में उसी पर रौन दोगे कपड़े को तो वो तो मिट्टी तो भाई रगड़ेगी ना कपड़े के साथ, तो वो स्क्रैचेस ही तो छोड़ेगी एट दी एंड, तो वो चीज़ ध्यान देनी होती है, वो चीज़ उनसे ध्यान दी नहीं गई। बट एनीवेज भाई, तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं घर भाई लोगों, एंड जिम तो आज अपना मिस होने वाला है, तो घर जाके ही थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं, एंड बाकी मम्मा भी अभी मीटिंग पर गई हुई हैं तो वो आने वाली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अब आपसे,